भिवाड़ी की भगत सिंह कॉलोनी स्थित हरीश बेकरी पर दिन दहाड़े सोमवार की दोपहर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग कर बदमाश कार में सवार होकर भाग गए। बदमाशों की संख्या 6 से 7 बताई जा रही है। दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना से लोगों में अफरा तफरी मच गई। बेकरी में बैठे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वही घटना से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना पर भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। लोगों की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। बताया यह जा रहा है कि रंगदारी को लेकर यह घटना हुई है। बदमाश हमले के दौरान पर्ची छोड़ कर गए हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आया था कि हरीश बेकरी पर फायर हो रहा है। उस सूचना के आधार पर पुलिस अधिकारी यहाँ पहुँचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया है और काफ़ी फायरिंगियाँ हुई है। किसी की चोट नहीं लगी है, लेकिन जो काउंटर वगैरह हैं उनके शीशे वगैरह टूटे हैं। अभी उसका अनुसंधान शुरू किया है। हमें उम्मीद है कि जल्दी इसमें हम अपराधियों की शिनाख्त कर लें। कितने लोग थे, कितने राउंड फायरिंग हुई लगभग? अभी प्रारंभिक सूचना के मुताबिक करीब 5 लोग आए थे, किसी कार में सवार हो गए। प्रथम जानकारी में क्या घटना के कुछ क्या कारण रहे होंगे और ये कोई पर्ची वगैरह भी दी गई है या किसी तरह कोई डिमांड भी की गई है या कुछ और? अभी इनके जो हरीश बेकरी के मालिक, उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे अनुसंधान कर रहे हैं। सारी चीज़ें बाद में जाहिर होगी। क्या फायरिंग के पीछे उद्देश्य है, क्या वो है, ये सारी चीज़ें हमारे अनुसंधान का विषय है। एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही है, जिन्होंने मुन्ना कबड्डी की यहाँ फायरिंग की थी उन्हीं से मिलते जुलते लोग हैं या वही कोई लोग हैं, तो क्या ये सही है या कुछ अलग है? अभी जस्ट घटना हुई है, अभी इसे हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी इसके बारे में अनुसंधान होगा, उसके बाद देखते हैं।